स्वागत है भाइयों जतिन सिंह की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में देख रहे हो टाटा की नेक्सॉन, इसका फेयरलेस वाला वेरिएंट है जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है। बाकी इसमें कलर की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसमें आपको पर्पल सा कलर भी मिल जाता है जो कि ठीक है, काफ़ी बड़ी लगता है देखने में। इसमें साथ ही आपको ब्लैक में इसमें ड्यू टोन कलर इसमें आपको मिल जाता है जो कि ब्लैक इसमें आपको रूफ मिल जाती है और ब्लैक इसमें आपको पूरे साइड ओवर भी आपको मिल जाते हैं। बाकी नीचे इसमें आपको पर्पल कलर की पूरी इसमें आपको बॉडी मिल जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर में फिनिश दी गई जो कि काफ़ी बढ़िया। बाकी टाटा के लोगों की बात करूँ तो लोगो वही सेम अपना पुराना वाला दे रहे हैं। बाकी अपडेट की बात करूँ तो अपडेट अब नई गाड़ियों में दे रहे हैं टाटा के न्यू लोगों। बाकी ये मेरे ख्याल से 2023 वाली होगी तो जिस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी मैं इसमें फ्रंट लुक की बात करूँ तो फ्रंट लुक इसमें आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके पूरे DRL वगैरह मिल जाते हैं जो साथ में इसके इंडिकेटर भी इसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी लाइट्स की बात करूँ तो प्रोजेक्टर इसमें आपको लाइट्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन सॉरी इसमें पूरी LED सेटअप है और साथ में से आपको यहाँ पर पूरा एरोडायनेमिक के लिए यहाँ पर पूरा AC एयर के इवेंट्स भी दे रखे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। साथ में यहाँ पर आपको पूरा फ्रंट पार्किंग कैमरा और यहाँ पर दो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको ज़ोर से मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ बाइक में आपको फ्रंट लुक की भी मिल जाती है। और गाड़ी के एक बार इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में आपको बताता हूँ क्या क्या सीन है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा बॉडी कलर इसमें आपको और मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा भी जोर से मिल जाता है और ऐसी कुछ बाइक में आपको साइड लुक भी मिल जाती है। और इसमें अगर मैं अलॉय व्हील की बात करूँ तो इसमें आपको पूरा डायमंड कट वाला इसमें आपको थोड़ा सा अलॉय व्हील मिलता है, बट ये थोड़ा सा डुप्लीकेट सा लगता है। बाकी है तो ये अलॉय, बाकी थोड़ा सा डुप्लीकेट जैसी फील देता है। गुडियर इसमें आपको टायर मिल जाते हैं जिसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/60/16 की इसमें आपको प्रोफाइल भी मिल जाती है। और यहीं पर अगर मैं इसमें पीछे की बात करूँ तो पीछे इसमें आपको पूरे कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर टाटा का लोगो और यहाँ पर नेक्सॉन की बैचिंग और यहाँ पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। बट यार इसमें थोड़ी सी एक मेरे को दिक्कत लगती है जो कि मारुति की आप ब्रीजा देख रहे हो तो उसमें आपको टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग देते हैं टाटा वाले, बट आई डोंट नो किस क्या सीन है। और यहाँ पर इसकी पूरी बैक लाइट और यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको पीछे मिल जाते हैं। और एक बार इस गाड़ी के इंटीरियर में देखते हैं इंटीरियर में क्या सीन है, और साथ में यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड सेंसर भी आपको जोर से मिल जाते हैं। की भाई मैं गाड़ी के एक बार अंदर चल के आपको बताता हूँ की का क्या सीन है। तो की तो भाई वही टिपिकल होगी जो कि अपनी टाटा सभी गाड़ियों में दे रहा है। तो ऐसी कुछ भाई इसमें आपको की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का सारा सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइट्स का मिल जाती है, यहाँ पर इसको बूट होल्ड कर तो बूट भी यहाँ पर आपको एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार मैं इसका पूरा इंटीरियर आपको बता देता हूँ इंटीरियर में क्या का आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले भाई इसका आपको पुश स्टार्ट बटन यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर बटन्स भाई कोई कुछ भी नहीं, यहाँ पर पूरा आपको टच सारा सिस्टम दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ी। यहाँ पर आपको बीच में टाटा का लोगो भी जोर से मिल जाता है। अभी भाई धूप हो रखी है तो देख सकते हो गाड़ी कितनी भभक रही है। बाकी मैं इसकी विंडो यहाँ से एक बारी खोल देता हूँ तो देख सकते हो ऑटो इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि इसमें आपको ऑटो ना अप और ऑटो डाउन है मेरे ख्याल से ये। बाकी यहाँ पर मैं वैनिटी मिरर की बाजू साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, बट इस साइड आपको वैनिटी मिरर जोर से मिल जाता है। और यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक इसमें आपको ये मिल जाता है इसका पूरे मिरर वगैरह, और साथ में इसमें आपको छोटी सी सनरूफ भी आपको मिल जाती है जो कि यहाँ स्कॉप बंद वगैरह कर सकते हो। और ऐसा कुछ आपको पूरा ये मिल जाता है इसका पूरा स्क्रीन वगैरह जो कि थोड़ी सी अजीब जैसी बाहर की तरफ निकाल रखी है जो कि लिटरली काफ़ी बड़ी लगता है देखने में। साथ ही यहाँ पर इसका पूरा MID वगैरह भी मिल जाता है जिसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स हैं। अभी पता नहीं आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा है ये, पर पता नहीं कैसे इसको छोड़ पा रहे। और बाकी यहाँ पर इसके पूरे वाइपर मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ पर साथ में आपको ऑटोमेटिक से आपको लाइट्स भी मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी ऐसी कुछ है। और साथ में यहाँ पर आपको एयरबैग भी आपको जोर से मिल जाते हैं, हॉर्न यहाँ पर है टिपिकल टाटा का। बाकी मैं इसकी बात करूँ तो ये भाई आपको पूरा ऊपर नीचे ही होगा आई थिंक सो, हाँ ऊपर नीचे ही हो सकता है ये, ऐसा कुछ सीन है। बाकी इसको यहाँ से कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर इसका गियर नॉब आपको मिल जाता है, गियर नॉब भाई थोड़ा सा टिपिकल सा दे रखा है, इसको टाटा वाले काफ़ी सुधार सकते थे बट स्टिल टाटा वालों ने यही दिया। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको कप होल्डर की बात, कप होल्डर नहीं है भाई इसमें, और यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दे रखा है जो कि ऐसा कुछ हैंड ब्रेक ऐसी कुछ मिल जाती है। यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे कुछ अजीब सा स्पेस दे रखा है आई थिंक सो, जो कि मेरे ख्याल से स्लाइडेबल नहीं है भाई, मेरे को लगा स्लाइडेबल है। बाकी यहाँ पर ग्लव बॉक्स की एक बारी बात कर लेता हूँ, ग्लव बॉक्स में क्या सीन है। तो ऐसा कुछ इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी डीप है, इसमें साथ में आपको लाइट्स भी मिल जाती है हैलोजन लाइट, बाकी ठीक है। और यहाँ पर तो भाई ऐसा कुछ पूरा इसमें आपको इंटीरियर मिला था जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया। इसमें आपको ओरिवम की बात हो तो ओरिवम भाई इसमें आपको पूरे ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, और साथ में यहाँ पर आपको बोटल होल्डर भी आपको जोर से मिल जाता है। जब गाड़ी को भाई मैं पूरा ऐसे खोल लेता हूँ आपको बताता हूँ, यहाँ पर पूरा आपको बोटल होल्डर मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। इसकी बात कर रहा था भाई मैं, ये अम्ब्रेला होल्डर काफ़ी इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ मिल जाती है। साथ में आपको 4 पावर विंडो, यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। ग्लॉस में यहाँ पर फिनिश देख सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ी सी लैदर में फिनिश दे रखी है, लैदर लगता है भाई स्मूथ टच है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह भी आप
देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मूथ प्लास्टिक यूज़ हुई है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और साथ में ऐसा कुछ स्टेयरिंग है जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। एयर बैग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, साथ में हारमन का पूरा इसमें आपको साउंड सिस्टम भी मिल जाता है। एक बारी गाड़ी के मैं पीछे चल के आपको स्पेस बता देता हूँ, पीछे चल के क्या सीन है, इतना कुछ आपको स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। तो ऐसा कुछ भाई, इसमें आपको पूरे का पूरा इंटीरियर मिल जाता है। दूसरी साइड से जाता हूँ, ये सीट्स भाई मैंने फुल पीछे कर रखी है ना, तो इस साइड से मैं पूरा इसमें आपको बता देता हूँ पीछे क्या क्या सीन है। तो पीछे की स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ भाई, इसमें आपको पीछे स्पेस मिल जाता है जो कि नॉर्मल सा है, और साथ में आपको एसी के वेंट्स और यहाँ पर भी सॉकेट वगैरह ये टाइप ए और टाइप सी आपको जोर से मिल जाएंगे। यहाँ पर छोटा सा हम्प, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो लेदर की आपको सीट्स मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर मैं इसमें बात करूँ यहाँ पर दो कपड़े आपको जोर से मिल जाते हैं, पार्सल ट्रे आपको पीछे भी मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ऐसी कुछ लुक है भाई अपने टाटा के फेयरलेस इंटीरियर की जो कि आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी भाई टेल आप एयर बैग आपको दिए गए हैं। बाकी इसकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर भाई ऐसे कुछ ये मिल जाते हैं जिसको अगर थोड़ा बाहर की तरफ खींचोगे तो इसका आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ऐसे कुछ और भी मिल जाते हैं जो कि इसके ग्रैब हैंडल जो कि ऐसे कुछ हैं, और यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और एक बारी बाहर से आपको लुक बता देता हूँ गाड़ी के पूरे क्या लुक है जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखी है, तो ऐसी कुछ भाई इसमें आपको लुक भी मिल जाती है काफ़ी बड़ी। इसमें आप बैक गियर लगो तो हिसाब से बैक गियर की लाइट्स भी यहाँ पर जलती रहती है, तो ठीक है काफ़ी बड़ी है। इसमें आपको लुक्स भी मिल जाते हैं, और एक बारी मैं इसका आपको इंजन बता देता हूँ इंजन में क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इंजन का भाई अगर मैं यहाँ से इसका बोनट एक्सेस कर सकती हूँ, तो बोनट तो भाई मैंने आपको एक बार वीडियो में बता रखा है, बोनट तो भाई इसका रेटिंग में काफ़ी हैवी है। अगर इसमें बोनट को एक्सेस करूँ तो यहाँ से भाई इसका बोनट आप ऑन कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी भाई लिटरली काफ़ी हैवी कर रखी है। और यहाँ पर पूरा इसमें आपको ये मिल जाता है पूरा इसका सारा सिस्टम जो कि आप ये दे सकते हो। बाकी यहाँ पर भाई आपको इंसुलेशन जोर से मिल जाती है जो कि आप ये देख सकते हो। बाकी बोनट की क्वालिटी भाई काफ़ी हैवी, इसमें आपको बोनट मिल जाते हैं। बाकी ये भाई गाड़ी की पूरी फ्रंट लुक, यहाँ पर आपको साथ में डीआरएल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं जो कि ऐसे कुछ है, और पूरे आपको डिओटोन कलर में भाई गाड़ी का इंटीरियर देखने के एक्सटीरियर देखने के लिए मिलता है जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। तो आप बताना भाई आपको कैसी लगी इस प्राइस रेंज में टाटा की नेक्सॉन इसका फेयरलेस वाला वेरियंट, छोटी सी वीडियो थी। बाकी आप अगर आपने पूरी वीडियो देखनी तो आप मेरे एक से रिसेंट वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा मैंने इसका पूरा बता रखा है कि गाड़ी में क्या क्या सीन है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी ये थी भाई वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।